अंतर्राष्ट्रीय पहलवान व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और वरिष्ठ तेजतर्रार भाजपा नेत्री बबीता फोगाट की टेंशन अब बढ़ने वाली है। जी हाँ, हम ये खुद नहीं बोल रहे बल्कि हरियाणा प्रदेश में स्थिति ही ऐसी बन रही है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व वरिष्ठ भाजपा नेत्री बबीता फोगाट की टेंशन अब बढ़ने वाली है। जी हाँ, बड़ौदा में उपचुनाव होने जा रहा है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बबीता फोगाट योगेश्वर दत्त के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए गई थी, जहां पर उन्होंने एक अनुसूचित जाति को लेकर टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी को लेकर अनुसूचित जाति के लोगों ने आपत्ति जताई है और बबीता फोगाट के खिलाफ अब पुलिस में मामला पहुंच चुका है। जी हां, बबीता फोगाट के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ऐसी समाज के लोगों ने हांसी पुलिस को शिकायत दी है। वहीं हांसी पुलिस का कहना है कि ये मामला बड़ौदा क्षेत्र से संबंधित है, यानी सोनीपत जिले से संबंधित है। उनकी शिकायत को कार्रवाई के लिए सोनीपत भेजा जाएगा। इस तरह से अगर बबीता फोगाट के खिलाफ कोई मामला दर्ज हो जाता है तो बबीता फोगाट की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि हाल ही में उन्हें चेयरमैन का पद दिया गया था और ऐसे में अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो बबीता फोगाट की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। धन्यवाद।